तो गाइस अगर आपने अपने घर पे वाईफाई का कनेक्शन ले रखा है बट उसका जो रेंज है वो प्रॉपर तरीके से घर के बाकी कमरों में नहीं पहुंच पा रहा है एंड चाहते हो आपकी कहीं पे भी डेड जोन ना रहे वाईफाई का, हर कॉर्नर पे प्रॉपर भी आप कहीं पे भी जाओ तो वहाँ पे आपका इंटरनेट प्रॉपर तरीके से काम करे, तो वैसे केस में आपको एक एडिशनल राउटर बाय करने का ज़रूरत है। अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो एक बेस्ट बजट में जो डुअल बैंड वाला राउटर वाला वाईफाई रहेगा मैं उसका लिंक डालूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बाय कर सकते हो। एंड आज हम लोग वायरलेस मेथड तरीके से सीखेंगे, इसके बाद मैं एक वायर्ड मेथड तरीके से भी आपको बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो वायर्ड मेथड का जो तरीका होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें आपको रेंज एंड कनेक्टिविटी स्पीड जो दोनों ही आपको बहुत ही तगड़े मिलते हैं। इसमें आपको रेंज तो मिल जाएगा बट जो स्पीड रहेगा, जैसे ही आप राउटर को अपने मेन राउटर से जब दूर करते जाओगे तो स्पीड कहीं ना कहीं पर वो बहुत ज़्यादा मरमर के आता है, तो इस चीज़ का पहले से थोड़ा ध्यान रखना, हो सके तो आप फ्यूचर में इसको अपग्रेड कर लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सबसे पहले आपको राउटर को क्या करना है, आपको इसको पावर सोर्स से कनेक्ट कर देना है एंड देन आपको बैक साइड में यहाँ पे आपको एक रीसेट बटन दिखाई देगा ब्लैक कलर का, आप जैसे भी आप राउटर लेते हो वहाँ पे कहीं नीचे में रहेगा कहीं यहाँ पे रहेगा, तो आप रीसेट बटन ढूंढ के इसको इस तरीके से प्रेस करके आपको रखे रहना है तब तक जब तक ये सारे के सारे नीचे में जो LEDs हैं थोड़ी देर के लिए ना चले, करीबन 9 से 10 सेकंड इसको लगता है, इसको आपको दबा के इस तरीके से रखे रहना पड़ता है। एंड एक बार जैसे ये रीसेट हो जाएगा तो ये चारों के चारों जो लाइट्स हैं वो सारे के सारे एक बार में जल जाएंगे एंड अभी आपका जो राउटर है वो रीसेट हो गया है। अब गाइस जैसे ही आपका राउटर रीसेट हो जाता है इसके बाद आपको अपने कनेक्शन पर चले जाना है यहाँ से वाईफाई के एंड देन आपको इस पर्टिकुलर राउटर का जो भी आपको यहाँ पे सिग्नल दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है। तो अब हम लोग कनेक्ट करने जाएंगे तो ये मांगेगा पासवर्ड, हमने तो इसको कर दिया रीसेट, तो डब्बे के ठीक नीचे में यहाँ पे आपको SSID के ऊपर में यहाँ पे आपको पासवर्ड या फिर पिन करके एक नंबर दिया रहेगा, आपको सिंपली वो एंटर कर देना है। मैं ये ट्यूटोरियल इतने बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि मुझे अपना पासवर्ड वगैरह सब कुछ याद हो गया है। अब इसको कनेक्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, अभी आपको कुछ नहीं करना है। IP एड्रेस एक दे रहा हूँ, इसको आपको सिंपली क्रोम ओपन करके इसको पेस्ट कर देना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको कोई भी रॉकेट साइंस लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आपको सिंपली कर देना पेस्ट एंड कर देना आपको एंटर। अब यहाँ पे आपको मांगेगा पासवर्ड, तो आपको एडमिन टाइप कर देना है, इसका भी स्पेलिंग मैं यहाँ पे डाल दूंगा ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दो। इसको आपको इसके बाद कर देना, आपको लॉगिन कर लेना है, इसके बाद जो इसका वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा एंड मेक श्योर कि आप कनेक्ट जो है इसका इस पर्टिकुलर राउटर पे कनेक्ट करके करना, नहीं तो फिर ये ओपन नहीं होगा। अभी फिलहाल देख सकते हो कि ये लॉक्ड दिखा रहा है। अभी यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप का जो काम है वो रेडी हो चुका है यहाँ से, तो नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे इसको इनेबल कर लेना। मुझे मालूम नहीं कि ये क्यों रहता है, ज़्यादा मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं है बट इनेबल कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कुछ अच्छा ही होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप चाहो तो अपने इसको इसका नाम जो है उसको चेंज कर सकते हो, सो ये देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट दे रहा है, तो जो भी आप नाम एंड पासवर्ड जो भी इस राउटर का डालना चाहते हो आप कर सकते हो। अभी हम लोग इसको एज अ वायरलेस के तरीके से यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको इस वाले पर्टिकुलर सेटिंग को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद फिर हमको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। एंड जो भी प्रोसेस में टाइम लगेगा ना, ये सिर्फ आपको राउटर का जो राउटर एंड इसमें जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में जो वक्त लिया बस वही, ऐसे देखा जाए अगर ये इसमें टाइम नहीं लगेगा तो सिर्फ 5 मिनट का भी ये काम नहीं है, 2 मिनट में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इसका जो CPU ये अपने हिसाब से काम करेगा, थोड़ा सा मरमर के चलता है तो टाइम लेगा ये। एंड बीच बीच में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी भी चेक करते रहना पड़ेगा। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका नाम एंड पासवर्ड चेंज किया था, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सटेंडर करके यहाँ पे चीज़ दिखा रहा है, तो वहाँ पे वापस से आपको जो आपने पासवर्ड डाला था वो आपको टाइप करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब देखो ये अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग कर रहे तो नहीं ले रहा था, अब देखो नेक्स्ट करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा थोड़ी देर में, ये देखो अभी आगे प्रोसीड हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखने का ज़रूरत है, जैसे ही आप नाम एंड पासवर्ड चेंज करोगे तो ये राउटर का जो यहाँ पे सेटिंग है वो अलग हो जाता है, तो आपको वापस से पासवर्ड ये डालना पड़ेगा। अभी देखो ये हमारा जो है कनेक्शन टेस्ट ऑलमोस्ट हो गया है, अभी आपको जाना है एडवांस्ड में, यहाँ पे जाना है आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको जाना है ऑपरेशन मोड में एंड यहाँ पे आपको राउटर को सेटअप करने का 3 मेथड मिलता है, तो हम लोग रेंज एक्सटेंडर के तौर पे सेटअप कर रहे हैं इसको वायरलेस तरीके से, तो हमको ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। यस करने के लिए मांगेगा, आपको यस कर देना, उसके बाद आपका जो राउटर है ये इसको एक बार रीसेट कर देगा एंड आपको इंतजार करना है। तो आप देख सकते हो कि जो भी टाइम लगा है बस किस में लगा है कि यहाँ से जैसे हमने नाम चेंज कर दिया तो वापस से पासवर्ड रीइंटर करना पड़ा एंड यहाँ पे अभी रीबोटिंग में जो टाइम लग रहा है बस यही लग रहा है, बाकी प्रोसेस में ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 मिनट का काम है बस। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके 3-5 करके बनाए, ये कमांड प्रॉम्प्ट में जा रहे हैं वहाँ पर टाइप करें, ये चीज़ें करें, वो चीज़ें करें, फालतू के लिए भाई बस जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ प्यार से फॉलो करो, 2 मिनट में तुम्हारा अगर राउटर अगर
एज अ एक्सटेंडर नहीं सेटअप हो गया तो नाम बदल लेना, ठीक है। बस स्टेप फॉलो करना। बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो लोग सीधे स्किप करके भागते हैं 4-5 स्टेप, उसके बाद बोलते हैं कि भाई मेरा सेटअप नहीं हो पा रहा है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो जो भी मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ, एंड यू आर गुड टू गो। एंड यस गाइस, एक दो दिन में मैं ये भी सेटअप करने वाला हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक 60 मीटर का केबल भी मंगवा के रखा हुआ है। आज एक्चुअली मैं इसी का शूटिंग करने वाला था, बट सोचा कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करके शूट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग वायरलेस मेथड से जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये तो मैं ट्यूटोरियल पर्पज से बना रहा हूँ, बट इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। एक बार एडमिन डाल के देख लें, ADMIN। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड वही डालना है एडमिन, एंड आपको कर लेना है लॉग इन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरनेट जो चक्री यहाँ पे चल रहा है, अभी ये फिलहाल नहीं हुआ है, बट वापस हम लोग इसको ट्राई करेंगे, ये फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। एक बार यहाँ पे जाते हैं एंड कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखो अभी हमारा एक्सटेंडर से ये हट चुका था, तो वापस हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बार बार जाकर राउटर यहाँ पे जो आपका इंटरनेट वाला है वो वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी ये वहाँ से हट जाता है। एंड वापस इसको एक बार रीसेट करते हैं, रीलोड करते हैं पेज को, एंड एक्सटेंडर पे ही आपको कनेक्ट करके रखना। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई दूसरे नेटवर्क पे लाइक एयरटेल या फिर जियो कनेक्शन लगा हुआ है तो ये जैसे ही आप रीसेट करते हो ना तो ये यहाँ से कनेक्शन छोड़ के वापस से उस पे कनेक्ट हो जाएगा ना, आपका जो पेज है वो रीलोड नहीं होगा। तो आपको बार बार एक्सटेंडर या फिर जो भी आपका राउटर है उसको आपको कनेक्ट करते रहना पड़ेगा टाइम टाइम पे, ताकि पेज जो है प्रॉपर तरीके से लोड हो। अभी देखो यहाँ पे फिर से लटकने लगा ये, एक बार फिर से रीलोड कर लेते हैं एंड ये फिर से ट्राई करेगा। तो फाइनली क्विक सेटअप में मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखो लो अपना सेटअप जो है रेडी करने लगा। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, एक बार ये पेज ओपन हो जाएगा तो अपना इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, टेक्स्ट मैश हिंदी एयरटेल, तो इसका पासवर्ड अपने को डाल देना यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अभी यहाँ पे आप या तो कॉपी होस्ट SSID कर सकते हो, मतलब जो आपका एयरटेल वाला जो नाम है या फिर जो भी आपके घर पे लगा हुआ है उस नाम से आ जाएगा, या फिर मैं चाहता हूँ कि इसका नाम जो रहे एज अ एक्सटेंडर है तो यहाँ पे आप इसको एज अ एक्सटेंडर सेटअप कर सकते हो। एंड इसके बाद इसको आपको कर देना सेव, एंड ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया सेटअप। अब जो लोड में जो टाइम लगेगा बस वही है। तो देखा आपने बहुत ही सिंपल से क्लिक क्लिक वाले मेथड्स थे। वीडियो को 2-4 बार देख लेना, इसको सेव करके रख लेना ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे इसको एकदम जीरो से, जैसे आज अभी मेरी आप वीडियो देख रहे हो, आज से 2-4 दिन पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैंने आधे घंटे में सबको सीखा है और आज मैं आपको पूरा मेथड सिखा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, देखने में थोड़ा सा इंटरफेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जो स्टेप तुम्हारे भाई ने बताया है फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। तो अभी मैं आपको यूट्यूब पेज ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वायरलेस तरीके से किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये देखो हमारा जो पेज है वो प्रॉपर तरीके से लोड हो रहा है, काफ़ी मक्खन के तरीके से चल रहा है। एंड अभी मैं आपको इंटरनेट स्पीड भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। सो ये रहा, देख रहे हो सब कुछ ऑलरेडी आपको सर्च हिस्ट्री में दिखाई दे रहा है। एंड मेरे वाईफाई का जो कनेक्शन है एयरटेल वाले का वो 40 Mbps का है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वायरलेस में भी ये कितना ज़्यादा तगड़ा 37 Mbps आपको वायरलेस तरीके से निकाल के दे रहा है। बट ये वाला जो रेंज आपको मिलेगा ये जस्ट बिकॉज कि जो वाईफाई का राउटर है वो मेरे जस्ट बाजू वाले रूम में है, इस वजह से इतना खतरनाक रेंज मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पे अपलोड स्पीड तो कुछ ज़्यादा ही आ गया, 43 Mbps का अपलोड स्पीड एंड 37.8 Mbps का डाउनलोड स्पीड आ रहा है। इसको 2-3 बार टेस्ट करके आप एवरेज निकाल सकते हो, आपका ले दे के आपको ठीक ठाक काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो ये तो खैर फिर भी जुगाड़ वाला है, बट ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है। अगर आप वायर्ड मेथड के साथ जाओगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। एंड जैसे ही वो वाले वीडियो आपको आ जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डालूंगा, आप जाके उस वाले वीडियो को भी देख सकते हो। ये देखो 40.7 Mbps एंड अपलोड स्पीड भी आ रहा है 39.8 Mbps, काफ़ी तगड़ा इंटरनेट स्पीड अभी शाम के टाइम पर भी मिल रहा है। यूजली अगर आप लोकल लाइन का कनेक्शन लेते हो तो शाम के टाइम उनका जो कनेक्शन रहता है वो मरने लगता है, एंड यहाँ पे स्पीड जो है काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप बाकी सारे वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो, अच्छा खासा जो पेज है वो बहुत ही तगड़े तरीके से रीलोड हो जा रहा है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना, एंड कोई डाउट वगैरह हो तो एकदम बिंदास हो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी चैनल पे न्यू आओ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस आउट।